मेरे साथ BHU के प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार हैं, और वो लगातार जब से एकेडमिक जगत में काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, बराबरी के लिए, समानता के लिए, राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से आंदोलन करते रहे हैं। अब जबकि पूरे देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़े हैं गौरक्षा के नाम पर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश किसी एक खास दिशा में बढ़ रहा है जहाँ बराबरी समानता की जो लड़ाई है वो कहीं थमती नज़र आ रही है। आप BHU में है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसका पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन अगर बात करें जो हाल के दिनों में जो घटनाक्रम होते रहे हैं BHU को लेकर भी हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि एक भरोसा टूट रहा है लोगों का, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गौरक्षा के नाम पर एट्रोसिटी के मामले आ रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। जब से वर्ण और जाति व्यवस्था इस देश में स्थापित हुई है तब से दलितों का दमन और शोषण और उन पर अत्याचार होते रहे हैं, लेकिन जब से हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से उनमें जैसे बाढ़ सी आ गई है पूरे देश में। और मुझे लगता है कि ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पैतृक ऑर्गेनाइजेशन है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो दरअसल समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की अवधारणा के खिलाफ ही उसकी आधारशिला रखी गई है, और वो चाहती है कि इस देश में मनु का विधान लागू हो। वो कभी भी भारतीय संविधान पर उनकी आस्था नहीं रही है, और वो जाति पात, छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना को मानने वाले लोग हैं। तो जब वो ताकतवर हुए हैं और सत्ता में आ गए हैं तो वो चाहते हैं कि वह पुनः पुरानी व्यवस्था स्थापित हो जाए। बनारस का एक अपना स्वभाव रहा है, आप BHU में भी हैं, धार्मिक कर्मकांड के लहजे से बात करें तो वो भी रहा है, यहाँ लिबरल लोग भी हुए हैं, तो दोनों तरह के लोग हुए हैं, कबीर भी यहीं बनारस में रहे, रविदास भी हुए हैं, और धार्मिक कर्मकांड भी का भी ये प्रमुख स्थल है। तो उस लिहाज से देखें तो जब मोदी जी का कंस्टिट्यूएंसी है, तो इन 2.5-3 सालों के अगर आप बदलाव को समझने की अगर मैं कोशिश करूँ तो आपको क्या लगता है कितने माहौल, जो हवा गर्म जिसको कहते हैं, क्या हवा गर्म हो रहा है, माहौल बदल रहे हैं, एक खास समुदाय, शोषित समुदाय, वंचित समुदाय, माइनॉरिटी के लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं बनारस में? अब बनारस में नहीं, पूरे देश में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, खास करके दलित, शोषित, पिछड़े और मुसलमान लोग। बनारस तो एक प्रतीक है हिंदू धर्म और संस्कृति का गढ़ होने का, लेकिन वास्तव में पूरे देश में लोग असहज महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक जब हम बनारस को केंद्र में रख कर के बात करते हैं, तो बनारस में अति प्राचीन काल से यहाँ पर दो तरह की समानांतर संस्कृतियाँ बनी रही हैं, उसका विचार प्रवाह रहा है। और यहाँ का जो एक संस्कृति है जो गैर बराबरी, जात पात, छुआछूत पर आधारित है, जिसको हम लोग वैदिक से लेकर के ब्राह्मण और वर्तमान में हिंदू संस्कृति के रूप में जानते हैं। दूसरी तरफ बुद्ध की परंपरा है, तो हम देखेंगे कि बुद्ध की परंपरा समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की बात करती है, वो मानवीय कल्याण की बात करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि बुद्ध ने भी बनारस की धरती पर सारनाथ में आकर के अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, और उसके बाद की परंपरा में अनेक संत और महापुरुष हुए, जिसमें कबीर, रैदास, और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब भी 1956 की अपनी अंतिम यात्रा में बनारस में आए। तो बनारस में यदि हम देखें कि ये एक तरह से जो गैर बराबरी और जो जिसको हम कहें कि सामाजिक भेदभाव और असमानता की जो संस्कृति है, उसका विरोध भी रहा है। और विरोध इस बात का नहीं था कि उनका व्यक्ति या समुदाय विशेष का विरोध इस बात का था कि जो गैर बराबरी की संस्कृति है, जो व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, उसका विरोध था। और विरोध इसलिए था क्योंकि देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना हो और मनुष्य मनुष्य में किसी तरह के भेदभाव की समाप्ति हो। आप जो प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था रविदास मंदिर, जिसको मंदिर, पता नहीं मंदिर से आप लोग कितना सहमत हैं, तो उसमें आप लोगों ने विरोध किया, आप SC ST जो वेलफेयर एसोसिएशन है, टीचर एसोसिएशन है, उसके महासचिव भी हैं, तो BHU की जब बात करें तो BHU में क्या लग रहा है? हाल के दिनों में बहुत सारे मामले ऐसे आए, वाइस चांसलर का हो, तिरंगा झंडा को लेकर हो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा माहौल बन रहा है, खासकर BHU के बारे में तो एक धारणा है ही कि
वो एक खास समुदाय को लेकर बहुत वहाँ आरामदेह है उनके लिए, और बाकी जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनके लिए थोड़ा तकलीफदेह माहौल रहा है। तो इसमें क्या BHU में और ज़्यादा हालात ऐसे हुए हैं या थोड़ा चीज़ें बेहतर हुई है? ये दो आपने दो चीज़ों के जिक्र की, एक तो मोदी के विरोध की बात की और दूसरा BHU को लेकर, कि मैं दोनों को थोड़ा समय लेकर के स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि BJP के आने के बाद दलित अत्याचार बढ़े हैं, दलितों की हत्याएं आम बात हो गई हैं, और उन पर सरकार की चुप्पी या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है, और जो अपराधी हैं या गुनाहगार हैं उनके खिलाफ़ सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब BHU के हमारा किसी व्यक्ति का विरोध नहीं था, और किसी मतलब रविदास मंदिर में आने को लेकर के भी कोई व्यक्ति यदि आस्था रखता है तो उस बात को विरोध नहीं था, बल्कि वो जो समय का चुनाव मोदी जी के द्वारा किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उनका कार्यक्रम एक्चुअल में बनारस में जो BHU का दीक्षांत समारोह था उसमें आने का कार्यक्रम मार्च में तय था, उसके लिए विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन भी किया था, लेकिन वो जैसे रविदास मंदिर की तरफ से उनको औपचारिक निमंत्रण भेजा गया, यद्यपि वो कोई ऐसा नहीं था कि उनको बहुत जोर डालना था, रविदास मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं वो औपचारिक निमंत्रण सबको भेज देते हैं, सभी बड़े नेताओं को भेज देते हैं, प्रधानमंत्री को भेज देते हैं, राष्ट्रपति को भेज देते हैं, मुख्यमंत्री को भेज देते हैं, राज्यपाल को भेज देते हैं, तो उनका जो हर साल का एक रूटीन क्रम है उसका था। लेकिन उन्होंने इस जो मकसद से कि यहाँ पर पंजाब के लोग भारी संख्या में आते हैं, लाखों की संख्या में, और उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य लोगों से, तो जो माहौल है कि दलितों के खिलाफ BJP सरकार काम कर रही है और मोदी उसमें चुप हैं, मोदी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस माहौल को ठंडा करने के लिए एक बात, दूसरी बात था कि पंजाब का चुनाव को ध्यान में रख करके हमको वोट बैंक अपना पुख्ता करना है और कमिंग इलेक्शन में UP में भी वोट बैंक मजबूत करना है, इस मकसद से मोदी जी यहाँ सभा करना चाह रहे थे, मंदिर आना उनका असली मकसद नहीं था। लेकिन एक नेता वोट के लिए राजनीति करे तो इसमें क्या बुराई है, वो तो करेगा राजनीति, लेकिन राजनीति आप स्वच्छ मानसिकता से करिए ना, एक तरफ आप दलितों पर दमन कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप दलित हित की बात भी करें। लेकिन PM की माने तो ये सरकार NDA की है, NDA 2 है, RSS का विरोध हो सकता है, तो क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उसमें कहीं ना कहीं सत्ता की सहमति है, या सत्ता उस पर उस तरह से कार्रवाई नहीं करती है कि उसे रोका जा सके? नहीं, ये दरअसल हमको लगता है कि ये BJP की सरकार वास्तव में RSS सरकार चला रही है और मोदी को एक मोहरे के तरह यूज कर रही है, और मोदी उसके लिए वो तैयार है, परफेक्ट आदमी है मोदी, OBC के चेहरा, यद्यपि वो OBC है नहीं है वो अलग मसला है, लेकिन उसको OBC चेहरे के रूप में वो सामने रख करके उनको उनको मतलब सरकार का मुखिया बनाया गया है, और पूरा का पूरा सरकार सरकार का नियंत्रण RSS के द्वारा हो रहा है, और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से RSS का हाथ स्पष्ट है, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो या मुसलमानों के खिलाफ हो, तो इसमें ये सारी चीज़ें खुल करके आ चुकी हैं। जिस तरह से रोहित बेमुला के मामले में दो केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगे हैं, अब रिपोर्ट भी एक पैनल की आई है, एक सदस्यीय कमेटी की आई है, तो क्या लगता है आपको कि क्या BJP को वोट की चिंता नहीं है? वो कैसे, जब उसके बारे में इतना सारा माहौल बन गया, माहौल है, इतने सारे मामले आए हैं दलित एट्रोसिटी के, मुस्लिम एट्रोसिटी के, तो आपको क्या लगता है कि BJP भी तो कुछ डैमेज कंट्रोल के सोच रही होगी, फिर भी वो इस तरह का आत्मघाती फैसला क्यों करेगी जहाँ लगे कि स्पोर्ट जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटी है वो बढ़ रहा है? नहीं, वो असल में क्या है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, पूरा का पूरा जो उनका गेम प्लान है वो ये है कि किसी भी तरह से हम मनु के विधान को लागू करें, सामाजिक व्यवस्था जो वर्ण और जाति पर आधारित है, जिसको मानते कि यही एक उपयुक्त है इस देश के लिए, तो वो उस क्रम में, जहाँ तक रोहित वेमुला का जो मसला है, वो रोहित एक किसी विद्यार्थी के खिलाफ नहीं था, रोहित इस बात का प्रतीक था कि वो विश्वविद्यालयों में भगवाकरण की जो राजनीति हो रही उसका विरोध कर रहा है, रोहित और उस वेमुला और उसकी जो पूरी टीम के सदस्य हैं वो हिंदू धर्म और संस्कृति के नाम पर जो मजाक हो रहा है इस देश में, विश्वविद्यालय में जो संस्कृति पनप रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उनका RSS के लोगों का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वो उसके विरोध में बात कर रहे थे, वो गोमांस के नाम पर जो दमन और अत्याचार हो रहा है उसका विरोध रोहित वेमुला कर रहे हैं, जो जात पात के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों की स्कॉलरशिप रोकी जा रही है, दलित छात्रों का जो भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है, और उसके पीछे पूरी
अपनी साजिश आरएसएस के द्वारा रची जा रही है, तो रोहित वेमला उसका विरोध कर रहा था। तो वास्तव में उनको लगता है कि एक तरफ अब इसको डैमेज कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं, तो वास्तव में यदि उनको इस बात की चिंता होती तो हम जो हरियाणा की घटना हुई वहाँ एक मंत्री कह रहा है कि कोई उनके दलित बच्चे मारे जा रहे हैं और उनकी तुलना वो कुत्ते से कर रहे हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो डैमेज कंट्रोल की चिंता नहीं, उनकी चिंता हिंदू धर्म और संस्कृति के नाम पर हम कैसे लोगों को भावनाओं को भड़का करके वोट बटोरें। और जहां तक दलितों का सवाल है तो वो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि दलितों का दमन कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब के की पूजा का पाखंड कर रहे हैं, अम्बेडकर पूजा का पाखंड करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो आपके हितैषी हैं, हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ताज्जुब की बात है, जिन्होंने बाबा साहब का हमेशा विरोध किया, जो बाबा साहब के संविधान पर आस्था नहीं रखते, जो बाबा साहब के संविधान को बदल लेना चाहते हैं, उसके स्थान पर मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम बाबा साहब के भक्त हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। और पूरा उनका चेहरा अब धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है, खास करके अम्बेडकर पूजा और दलित प्रेम को लेकर के। इस तरह से अगर आप देखें तो आप BHU में प्रोफेसर हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम से भी बहुत सारी चीज़ें साफ होता है, तो क्या लग रहा है कि जब से इस केंद्र में मोदी सरकार आई है BHU का भी अपना एक चेहरा है, वो और जो रंग है वो और भगवा और गाढ़ा होता जा रहा है? मैं 20 साल से यहाँ पर प्रोफेसर हूँ, तो वास्तव में हमने देखा कि पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट भी होती थी तो बहुत सारे वाइस चांसलर आए और गए, तो सबके बावजूद भी हम ये जानते हैं कि BHU की स्थापना हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के निमित्त हुई थी, और कहीं ना कहीं उसमें था कि हिंदू धर्म और संस्कृति की बातों को आगे बढ़ाना हुआ है शिक्षा के साथ साथ, इस तरह का था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसके पहले जो वाइस चांसलर हुआ करते थे उनके समय में हमने देखा कि कोई भी वो लोग भी जात पात और उससे कोई ऐसा नहीं था कि दलितों के हित की बात कर रहे हों या कोई मुस्लिम हित की बात हो रही हो या पिछड़ों का हित चाहते हों, क्योंकि यहाँ पर भी अभी खास करके जो शिक्षा पद हैं उनमें OBC की भागीदारी लगभग ना के बराबर है, थोड़े से लोग हैं, SC ST का रिजर्वेशन अभी भी जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो तो है यूनिवर्सिटी का जो चेहरा है वो तो दलित विरोधी पिछड़ा विरोधी है ही, लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और उनके कार्यकाल में BJP के कार्यकाल में जो वाइस चांसलर नियुक्त हुए वो खुल करके बोलते हैं कि हम तो संघ के आदमी हैं और संघ की जो नीतियाँ उसको लागू करना कोई बुरा नहीं है, चाहे वो छात्रों की समस्या हो या छात्राओं की समस्या हो। अभी आप देख रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए एक नियमावली बना दी गई है अनुशासन के नाम पर, उनको बोलने की आज़ादी नहीं, अनुशासन के नाम पर उनका कहीं निकलना मुश्किल हो गया, अनुशासन के नाम पर कहीं कोई बात भी नहीं कर सकता, और इस तरह से शिक्षकों में भी छात्रों में भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खौफ पैदा कर रखा गया है, और प्रत्येक दिन विश्वविद्यालय के छात्रावासों में RSS की शाखाएं लगती हैं, RSS का कोई प्रचारक आता है और वो बात करता है वहाँ पर, वो कैडर करता है अपना RSS की जो विचारधारा है उस पर व्याख्यान उसके होंगे और ये ऑफिशियली उनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। ये आरक्षण की बात करें तो कहीं भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैं देखता हूँ कि SC ST के जो आरक्षण है वो तो इम्प्लीमेंट है, OBC के आरक्षण इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जबकि बोर्ड के लिहाज से बात करें तो UP में चुनाव है और पूरा OBC कार्ड जो है वो BJP अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए मौर्य साहब उसमें गए स्वामी प्रसाद मौर्य, तो क्या लगता है UP जो OBC का जो आम जनमानस है जो आम वोटर है उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट सबसे कम इम्प्लीमेंटेशन है, तो ऐसे में आपको लगता है कि OBC का जो आम मतदाता है वो BJP के पक्ष में रुझान रखता होगा क्योंकि उसके तो आरक्षण को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया जा रहा है, चाहे वो BHU हो DU हो JNU हो? मुझे लगता है कि BHU ही नहीं पूरे देश के विश्वविद्यालय, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो अथवा राज्य विश्वविद्यालय, वहाँ नाम मात्र का रिजर्वेशन है जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहा जाता है कि हम लागू कर रहे हैं लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं, और वो आज का क्रम नहीं, वो आज़ादी के बाद का क्रम चला आ रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो OBC का हो रहा है, उनके पद को सबसे ज़्यादा वैकेंट रखा जा रहा है। उसमें इसकी मूल जो वजह है मुझे जो समझ में आ रही बात कि OBC के लोगों को अभी भी वो सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति अभी भी जागरूक नहीं है, और जो शासक दल हैं या शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए उनके प्रतिनिधि हैं वाइस चांसलर के रूप में, उन्हें पता है
कि हम हिंदू के नाम पर ओबीसी को अपने गोल में ले आते हैं, उनका वोट बैंक हिंदू के नाम पर ले लेते हैं। तो यदि उनके अधिकारों का हनन भी करते रहे आइए, उनका बैकलाग भी नहीं भरेंगे, उनका कोटा भरेंगे नहीं, तब भी वो हिंदू के नाम पर उनको वोट कर देंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। तो जब बिना किसी कुछ दिए यदि उनकी सरकार ओबीसी वाले बना रहे हैं तो उनकी क्यों चिंता होगी, उनके उनके पोस्ट भरने की चिंता क्यों होगी? क्या आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आप राजनीति पर भी नज़र रखते हैं, तो जो यूपी में जिस तरह से मुस्लिम समाज के खिलाफ जिस तरह से नई सरकार है उनमें जो एक डर का माहौल है, माइनॉरिटी में कई सारे अल्पसंख्यक समाज के वर्ग में, दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हुए, ऊना का मामला हो, जीशा का मामला हो, रोहित बेमूला हो, तो लग रहा है कि एक जो बहुजन एकता की बात जो कांसीराम करते थे, मैंने लखनऊ रैली में भी देखा, बड़ी रैली थी उनकी पुण्यतिथि पर, तो ये धरातल पर आपको एक एकता बनती दिख रही है? हाँ, अभी इस वक्त हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि खास करके जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में भी काफ़ी हिस्सा वो बहुजन समाज की राजनीति की पक्षधर है या फिर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करती है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो समाजवादी पार्टी यहाँ की उत्तर प्रदेश की, उसने 18% उनको रिजर्वेशन देने का वायदा किया था, तो उनके साथ धोखेबाजी हुई है, मुस्लिम समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो वो और वो जान गया है कि जितने भी दंगे हुए वो सपा सरकार में हुए, और दंगों में सबसे ज़्यादा क्षति किनको हुई? दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज़ को ही, मुसलमान, उससे कोई भी अपर कास्ट कम्युनिटीज़ को नुकसान नहीं होता है। जब भी दंगे होते हैं उसमें गरीब और मजलूम ही मारा जाता है, उनकी जान माल की हानि होती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग महसूस कर रहे हैं, आम जनता महसूस कर रही है कि सपा और भाजपा दोनों आपस में मिल करके अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और हिंदू के नाम पर भाजपा वोट वटूर लेना चाहती है और मुसलमान के नाम पर समाजवाद पार्टी। तो अब इस ये बात जनता को स्पष्ट हो चुकी है। अब उनको लगने लगा है कि एकमात्र विकल्प बसपा ही है हमारे सामने, और बसपा के समय में ना कोई दंगा फसाद होता है, कानून का राज भी स्थापित हो जाता है, और बहन जी का सख्त प्रशासन से गुंडे, माफिया इत्यादि कोई भी जो है वो अपनी हरकतें नहीं कर सकता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो यूपी में सरकार है, तो अखिलेश सरकार और मायावती जी की पिछली सरकार की बात करें तो दोनों का कंपेयर करें तो एक बड़ा डिफरेंसेस आपको क्या दिखता है? नहीं, कोई कंपेयर ही नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार की तुलना की ही नहीं जा सकती। समाजवादी सरकार का मतलब गुंडे, माफिया, बदमाशों का राज, और वो पूरा दिखाई देता है, आम जनता महसूस करती है, रोज़ हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट की घटनाएं हो रही, दिन दहाड़े हो रही हैं, व्यापार भी सुरक्षित नहीं है, आमजन सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी और अधिकारियों पर सीधे दफ्तरों में हमले हो रहे हैं। ये बात तो बीजेपी भी कहती है कि यूपी में भ्रष्ट सरकार है, गुंडों की सरकार है, तो जनता के पास अगर 3 ऑप्शन होंगे, बीजेपी, SP और BSP, तो क्या लगता है आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या देखते हैं कि जनता अभी किसके पक्ष में, खासकर वो जनता जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, माइनॉरिटी के लोग जो दहशत में है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग, तो उनके लिए आपको क्या लग रहा है कि किस विकल्प की तरफ वो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है किस विकल्प की तरफ वो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा होता है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं। हम ऐसा नहीं कि जो हाशिए के लोग हैं, जो दलित और पिछड़े हैं, या माइनॉरिटीज के लोग, पूरे प्रदेश में जनता को ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी सच्चे रूप में इस उत्तर प्रदेश को चला सकती है और बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकती है। तो कानून का राज, शांति, सुरक्षा इत्यादि जो मसले हैं खास करके, वो बहुजन समाज पार्टी में ही संभव है, ऐसा सभी समाज के लोग महसूस कर रहे हैं। उसमें दलित पिछड़े की बात नहीं, मुसलमानों की बात नहीं, सभी समाज के लोग महसूस कर रहे हैं। और उनका जो लोकसभा में जो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उन्होंने चुनाव के पहले जो घोषणाएँ की थी और जो सपने दिखाए थे अच्छे दिनों के, वो जनता से मोह भंग हो चुका है। और ये अभी नहीं, अभी तो 2.5 साल का समय लगभग हो रहा है, उसके पहले ही जनता का मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, और जनता अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पर सबका, पूरी जनता का, सभी समाज की जनता का रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ दिखाई देता है। उनको लगता है कि बहन जी एक ऐसी नेता है कम से कम उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं और साथ में विकास के तमाम कार्य कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से रोहित बेमूला का मामला सामने आया, पूरे देश में एक गुस्सा था, गुस्सा हुआ, उसके बाद ऊना की घटना हुई, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन दलित समाज ने किया,
और उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भागीदारी निभाई, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे वो सामने आए खुल के। गुजरात जैसे राज्य में जहाँ जो कहा जाता है कि वो आरएसएस की प्रयोगशाला है, वहाँ इस तरह से हुआ। तो क्या देखते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास की, जब हम बात करें जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेस में हैं, जो गैर सवर्ण हैं, उनके अंदर भी एक हिम्मत आई है और अब जो जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, जो प्रतिकार है, वो बढ़ा है। और ये इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या बहुजन समाज में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक चेतना आ रही है? अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है कि वो निश्चित तौर पर बहुजन समाज में ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी और पिछड़े वर्ग के, उसमें पिछड़े वर्ग में हम एससी एसटी ओबीसी सबको देखते हैं बहुजन समाज के रूप में, तो सब में एक गजब का जोश और उत्साह है, खास करके आंदोलन को लेकर के। जो आंदोलन है, आंदोलन है समता स्वतंत्रता न्याय और भारतीय संविधान पर जिनकी आस्था है, तो इसको कामयाब बनाने का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में हम उस आंदोलन को हम कामयाब होते हुए देख रहे हैं। और वो इसलिए कि हम देख रहे हैं, चाहे ऊना के रोहित वेमला के बाद पूरे देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ, ऊना के घटना के बाद जो पूरे देश में जो माहौल खड़ा हुआ, या मुसलमानों के ऊपर जो गाय को लेकर के जो हमले हो रहे हैं गोमांस को लेकर के, तो जो जागृति और चेतना आई उससे स्पष्ट हो गया है कि लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हिंदू धर्म और संस्कृति के नाम पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त करने के उस पर नहीं है इस देश की जनता, और उसने ये संदेश दे दिया है कि धर्म के नाम पर अब कोई राजनीति नहीं चलेगी। जो भारत के संविधान में आस्था रखने वाला दल है, जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक अच्छा माहौल है, खास करके बहुजन राजनीति के लिए, बहुजन आंदोलन के लिए, जो अब बहुजन ना होकर के सर्वजन तक पहुँच गया है, उनके लिए एक शुभ संकेत है। जनता में जागरूकता है, उसमें जोश है, उत्साह है, वो बस मौका देखना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है आगामी इलेक्शन में जो उसके पास मौका आएगा वोट देने का, उसमें वो अपना निर्णय स्पष्ट रूप से दे देगा। एक और सवाल जो आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ तो देख रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, जो सेक्रीफाइसेस किए, जिस इक्वालिटी की वो बात करते थे, और जिस तरह से राजनीतिक में कांसी राम जी ने जिस काम को बढ़ाया, तो मैं कई लोगों से मिला हूँ जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो प्रोफेसर हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत तेज़ी से जैसे बहुजन समाज के बच्चे यूनिवर्सिटी पहुँच रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनकी पहली दूसरी नस्लें हैं, तो उनका कहना है कि एक अंबेडकर युग की, जो अंबेडकर ने जो काम किया उसको अब रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, अंबेडकर युग की वापसी हो रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को क्या देखते हैं, ये एक अति उत्साह है या जो जो अब बहुत सारी सीमाएँ टूट रही हैं, मीडिया पर लोगों का कब्जा था, एक जाति विशेष का कब्जा था, संप्रदाय धर्म विशेष का कब्जा था, अब सोशल साइट्स हैं, उस वजह से जो मैसेज हैं, जो खबरों का आदान प्रदान है वो बढ़ रहा है, अब कोई किसी का मोहताज नहीं रहा, एक बैरियर टूट रहा है। तो क्या लगता है कि इन्हीं सब वजहों से अम्बेडकर युग की वापसी की जो बात कही जा रही है उसमें आपको तथ्यात्मक रूप से कितना दम लगता है? नहीं, दरअसल इसको हम इस रूप में देखते हैं कि पूरे आंदोलन में बाबा साहब ने जो 40 वर्षों का आंदोलन किया, खास करके दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए 1916 से लेकर के 1956 तक, तो उन 40 वर्षों में जो कुछ भी हासिल किया दलित और पिछड़ों के लिए, उस वजह से आज़ाद भारत में उनको सुविधाएँ मिली, शैक्षिक और बराबरी की सुविधा मिल गई, नौकरियों में थोड़े थोड़े लाख विरोध के बावजूद भी थोड़े थोड़े उनका प्रवेश होने लगा। तो ये जो बौद्धिक एक मिडिल क्लास उभर करके आया, उसने समाज में जागृति पैदा करनी शुरू की, और उन्होंने महसूस किया, इस बात को आगे बढ़ाया कांशीराम साहब ने, और कांशीराम साहब ने ये बताया कि तुम्हारी ताकत का एहसास तुम्हें होना चाहिए, जो बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब का सपना था कि आपके हजारों साल से जो दुख हैं, उन समस्त दुखों का निवारण तभी हो सकता है जब आप पावर में हो गए। तो उनको उनकी ताकत का एहसास करवा के, राजनीतिक ताकत का एहसास करवा करके उनको एकजुट किया, और उसकी ताकत हम उत्तर प्रदेश में देखने लगे। तो उत्तर प्रदेश में जो चार बार की सरकार बनी, तो लोगों को महसूस हुआ कि यदि हम एकजुट हो जाते हैं, हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम पावर में आ जाते हैं, और जब पावर में आ जाते हैं तो हमारी जितनी भी दुख तकलीफें, जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, दमन और शोषण हो रहा है, तो उसमें काफ़ी कंट्रोल हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, साथ में जो विकास के रास्ते हैं वो भी खुल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि जब पिछली दफ़ा उत्तर प्रदेश में 5 साल की मेजॉरिटी की सरकार बहुजन समाज पार्टी की आई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार किया कि 23 लाख नौकरियाँ देने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश का पहला एक राज्य था, और साथ में कृषि के क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब जो सबसे प्रथम पुरस्कार सबसे आगे हुआ करता था, उत्तर प्रदेश को पहली बार गेहूं और धान की फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को
पुरस्कार मिला। इसी तरह से मुद्रास्फीति की दर को लेकर के, तो विकास के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के रहते काफ़ी उन्नति हुई। तो ये जो है जागृति जो है वो जागृति के परिणाम भी उन्होंने देख लिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर पर जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो खाई थी वो काफ़ी कम हुई सामाजिक चेतना की वजह से और राजनीतिक चेतना की वजह से। जब दबा कुचला आदमी पावरफुल हुआ उसका नेतृत्व तो दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट करने लगे दूसरे लोग भी, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर जो दूरियां थी सामाजिक दूरियां थी वो काफ़ी हद तक कम हुई। अब ब्राह्मण के घर में चमार भी बैठ करके आराम से भोजन कर सकता है और वो भी बराबर की कुर्सी में बैठ करके उससे सम्मान की बात करने लगा है। तो इस तरह से सामाजिक क्षेत्र पर भी आर्थिक उन्नति भी हुई, सामाजिक तौर पर भी गैर बराबरी की बात कम हुई है और राजनीतिक तौर पर एक जो पूरे देश में जो जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई भी अपर कास्ट के व्यक्ति दलित लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे, वो हम देख सकते हैं कि बहन जी के नेतृत्व में अपर कास्ट के लोग भी सर्व समाज के लोग भी उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता तो इस बात को मानने लगी है कि बहन जी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं और उनके जैसा नेता कोई देश में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ BHU के प्रोफेसर डॉक्टर महेश प्रसाद अहिरवार और इन्होंने लंबे समय तक इक्वालिटी के लिए, सामाजिक समानता के लिए काम किया है। प्रोफेसर हैं उसके बाद भी नब्ज़ इन टटोलते रहते हैं, राजनीतिक हालात पर सामाजिक हालात पर इनकी कड़ी नज़र रहती है। तो एक पूरे देश में जो जो वोट की ताकत है, जो बहुजन समाज की एकता है और वो बराबरी के लिए है, वो समानता के लिए है, उसकी एक लहर सी चल रही है। उसी हालात में जो दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, मुस्लिमों पर जिस तरह से अत्याचार किए गए, गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से गुंडागर्दी हुई जिसको PM मोदी ने भी माना, तो इन सब वजहों से भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो उनमें एक एकता बन रही है और इनकी माने तो इसका असर UP चुनाव पर भी दिखेगा और शायद यही वजह है कि BSP के लिए रास्ते बहुत आसान दिख रहे हैं। कैमरन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।